बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल नंद की अगली किस्त में आप देखेंगे कि गौहर अपनी और दिलावर शाह की पूरी ताकत इस्तेमाल करके गुल और उसकी माँ की हकीकत ज़बरदस्ती हसन के सामने लेकर आती है। गौहर दिलावर शाह के आदमियों की मदद से नईमा बेगम को अगवा कर लेती है और उसे खूब मारती पीटती है और उसे ज़बरदस्ती उकलवा देती है कि इसने ही गौहर की माँ की जान ले ली थी और किस तरह गुल और उसकी माँ ने प्लानिंग की और प्लानिंग के मुताबिक गौहर की माँ पर जादू टोने किए और उसे डरा धमका कर पागल कर कर मार दिया। और ये सब नईमा अपनी ज़बान से हसन और सब घर वालों को बताती है और इस तरह से गुल और उसकी माँ की असलियत हसन के सामने गौहर लेकर आती है, जिसके बाद हसन गौहर से माफ़ी मांगता है और गुल और उसकी माँ को धक्के देकर घर से निकाल देता है। जबकि दूसरी तरफ जहांगीर सुंदस को पसंद करने लग जाता है और जिस लड़के के साथ सुंदस की शादी होनी थी तो जहांगीर इससे शादी होने से रोक देता है और जहांगीर सुंदस को प्रपोज करता है और इस तरह इन दोनों शादी हो जाती है और सुंदस की दिली मुराद पूरी हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब फरवा पाकिस्तान वापस आ जाती है, हसन से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर यहाँ आई हूँ। तमाम बच्चे अपने बाप के साथ स्कूल जाते हैं। हमारी बेटी पूछती है, मेरे बाबा कहाँ हैं? हमारी बेटी को बाप की शफकत की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो हसन अपनी बेटी को गले लगाता है और इससे खूब प्यार करता है और फरवा को भी माफ़ कर देता है, उसे अपने घर ले आता है और आखिर में साकिब और अफशा की एक प्यारी सी बेटी की पैदाइश होती है और इस तरह इस ड्रामे का एंड होता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए था, कमेंट में बताइए।